जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जब से कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, 2024-25 के जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आया था, जून क्वार्टर का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आया बल्कि निगेटिव ही आ गया, जिस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए, वो ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से प्राइस नीचे आ गया। हालांकि अब देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं फिर से वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखा है और उस वॉल्यूम के बेसिस पे तेजी आने लगी है, क्योंकि क्वार्टर्स के और जो नंबर आते हैं इनका इम्पैक्ट कुछ समय के लिए ही होता है, बाकी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि एनसीएल रिसर्च जो कंपनी है इसका काम दाम काफी ही अच्छा है, तो काम के यहाँ पे प्लस जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल के बिहाफ पे भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, यानी कि विकास के साथ इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी और प्राइस कंपनी का ऊपर जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं चार्ट पे कि रिजल्ट आने के बाद हुआ क्या था। रिजल्ट आया, हालांकि शेयर प्राइस में होता क्या है, जब रिजल्ट आने वाला होता है तभी से जो इंटरनल लोग होते हैं कंपनी का उनको आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल होने वाला क्या है। धीरे धीरे देखेंगे तो प्राइस करके ऊपर ही जा रहा था और ऊपर गया भी, लेकिन प्राइस ऊपर चला गया था तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना था, प्लस नंबर जो कंपनी के क्वार्टर वन के आने थे वो ठीक नहीं आए, जिस वजह से प्राइस क्या हुआ यहाँ पे और नीचे आ गया। और देखेंगे खूब तेजी से नीचे आया और एकदम अपने इस सपोर्ट के पास आ गया। हालांकि उम्मीद है कि इस लेवल के आसपास से इसका प्राइस आ सकता है 70 पैसा के आसपास, फिलहाल 80 पैसा के आसपास ठहरा हुआ और यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की प्राइस कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है। और मान लीजिए यदि प्राइस इस रेंज में आ जाता है 90 पैसा से लेकर 1 रुपए के बीच में, तब एक अच्छी बात होगी, तब प्राइस को फिर इस लेवल के आसपास नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि इसमें आकर समय बिताने लगेगा। और अगर इसमें समय बिताने लगा तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ से रेंज बाउंड में जब आने के बाद समय बिताता है फिर प्राइस को ऊपर निकलने का चांस होता है, ना कि नीचे आने का। तो प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा और इजिली इस लेवल को फिर ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे बनाते हुए दिखेगा। हालांकि यदि आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ये तो काफी ये बड़ा है, तकरीबन 5-6 रुपए के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम इस लेवल के आसपास आ जाएगा, हाँ, लेकिन जिसमें होता है 3-4 रुपए के लेवल को निकालेगा तो इजिली एक नया हाई बनाते हुए आपको देख सकता है। फिलहाल कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर अच्छे नहीं आए तो थोड़ा सा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 4 रुपए के आसपास तो जा ही सकता है। यहाँ पे यदि हम क्वार्टर्स के नंबर की बात करें, जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं क्वार्टर वन का, तो इसमें आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स हुआ, जो एवरेज सेल्स अभी होते हुए आ रहा था, सिर्फ वही सेल्स हुआ है। हालांकि मार्च क्वार्टर में कह सकते हैं कि किसी किसी क्वार्टर में क्या होता है, कंपनी को बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया था तो कंपनी का सेल्स काफी ज्यादा हो जाता है। एवरेज सेल्स ये सभी क्या है, एक एवरेज सेल्स है कि इसी अनुपात में कंपनी का सेल्स हमेशा होते रहता है, लेकिन यहाँ पे सेल्स बहुत ज्यादा हो गया, 7 करोड़ 20 लाख के आसपास हो गया, जबकि अभी तक जो कंपनी को सेल्स हो रहे थे 1 करोड़ के आसपास हो रहे थे। तो फिर से क्या हुआ कि जून क्वार्टर जो रिजल्ट आया इसी एवरेज के आसपास ही रहा, एवरेज क्वार्टर के आसपास। एवरेज क्या है, 1 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है। जहाँ पे देखेंगे 1 करोड़ 2 लाख 8 लाख 20 लाख आसपास हुआ था, यहाँ पे 1 करोड़ 38 लाख हुआ है। तो यदि हम कंटिन्यूअस बेसिस पे देखें, एक सस्टेनेबल बेसिस पे कह सकते हैं कि रिजल्ट में ग्रोथ तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट की तुलना में देखें तब यहाँ पे इस कंपनी का जो सेल्स है डिक्लाइन होते हुए दिखा है। हालांकि ये डिक्लाइन इतना बड़ा है, जबकि एवरेज क्वार्टर के नंबर से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ज्यादा ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में कंपनी नहीं है और कंपनी यहाँ पे देखिए लॉस में आ गई है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी एकदम मेन बिजनेस है, ठोस बिजनेस से जो कमाई होती है वो यहाँ पे माइनस में चली गई है। यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस शीट का हाल देखें, कंपनी का बैलेंस शीट का क्या हाल है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, डेप्ट तो कुछ है ही नहीं, पहले भी नहीं थी। हालांकि जो कंपनी का रिजर्व फ्री क्लोज जो रिजर्व पैसा होता है, जो कैश फ्लो होता है, वो यहाँ पे कम होते हुए दिखा है। तो इन्हीं सब वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो शेयर प्राइस पर भी वो आपको देखने को मिला है। हालांकि यदि जब आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन उसके पहले देख लीजिए कि एक मंथ में ये रिजल्ट आने के बाद से देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें प्राइस में डिक्लाइन होते हुए दिखा है और एक सप्ताह में भी तकरीबन 3.5% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ नजर आया है। ये स्थिति अब संभालने लगी है क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे वॉल्यूम एंड एनालिसिस में तो आपको देखने को मिलेगा कि एक एक दिन का वॉल्यूम कंपनी का 88 लाख के आसपास होने लगा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था लेकिन अब जाके ये वॉल्यूम बढ़ने लगा, और चूंकि जब वॉल्यूम बढ़ने लगा है तो कह सकते हैं कि अब शेयर के प्राइस में फिर से एक अप मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा और ये कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा।
यहाँ पे जब बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आप देखते हैं तो ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक है ईएसएन की श्रेणी में आ गया है। मेन चीज क्या है कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ने लगा है और फिर कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर क्या है, ये तो हर 3 दिन वहाँ पे आते रहते, तो अगला जो क्वार्टर का नंबर आएगा वो हो सकता है कि बेहतर आ जाए, तो उसके बाद भी शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका विजन इस स्टॉक में, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस वैसे भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो काम धाम है वो काफी बढ़िया है, प्लस जो कंपनी का फंडामेंटल है यह भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।